One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. जी बीजेपी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से आई है, इसमें क्या आपका आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि ये कारगर होगी कि नहीं? लोगों ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया है पॉलिटिक्स में, और इस चेंज की वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी कि मोदी जो है बीजेपी का कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, उस उम्मीद के अनुसार लोगों ने वोट दिया है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिखाया अपने स्टेट में, गुजरात में, और इस डेवलपमेंट मॉडल जो गुजरात का है, चाहे वो एक स्टेट का है, मगर उसे मोदी साहब एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, उसको जनरलाइज करके उस मॉडल को पूरे कंट्री में जहां जहां पॉसिबल है उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करें। देखो, देश में ह्यूमन क्राई बहुत है, प्राइस लाइन ऊपर है, और करप्शन सबसे बड़ा कारण है, पॉलिटिकल करप्शन ज्यादा है, सोशल करप्शन बहुत बड़ा है, सोसाइटी में ह्यूमन क्राई है, प्राइस लेवल इतना हाई है कि गरीब आदमी की कौन से बाहर है कि सब्जी के साथ खाना खा सके, दो रोटी खा सके। ये सब कुछ होते हुए एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम इस नई सरकार जो सिंगल विंडो ऑपरेशन जो टेक्निक गुजरात गवर्नमेंट ने लगा रखी है, जिसके कारण उन्हें इंडस्ट्री और बिजनेस चलाने में बहुत सक्सेस मिली है, और जिसमें ब्राइब सिस्टम बहुत कम हुआ है। ऐसा लगता है कि अगर उस मॉडल को, सिंगल विंडो ऑपरेशन वाले को, सेंट्रल गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है हर स्टेट में, कि एक सिंगल विंडो से ही सब अप्रूवल्स मिलेंगे गवर्नमेंट के, किसी बिजनेस के, किसी इंडस्ट्री के, किसी इंस्टीट्यूशन खोलने के, तो एक तो करप्शन कम हो जाएगी, एक टाइम कम बचेगा, और दूसरा प्रोजेक्ट जो है जल्दी से जल्दी लगेगा। जब प्रोजेक्ट लग जाएगा, जब ऑपरेशन में आ जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस भी नीचे जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी ऊपर बढ़ेगा, ये सब एक कनेक्टेड चीजें हैं। तो पहले तो मोदी साहब से एज ए प्राइम मिनिस्टर ये रिक्वेस्ट करें कि इस मॉडल को अच्छी तरह एग्जामिन करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट पूरे कंट्री में करें। ये बहुत जरूरी है करप्शन को दूर करने के लिए, प्राइस लाइन को डाउन करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन जाएंगे, और करप्शन कम होगा तो लोग जो ब्राइब में पैसा देते हैं वो बचेगा, वो इन्वेस्टमेंट में काम आएगा, वो ब्लैक मनी नहीं बनेगा। ये सब, और ब्लैक मनी भी एक रोल प्ले करता है प्राइस को अप करने के लिए, ये सब जो चीजें हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है। मोदी साहब इस बात को, इस इकोनॉमी को जो कि बहुत गिरी हुई है इकोनॉमी, इस टाइम जो प्राइस लाइन इतनी अप है, जो करप्शन का बोलबाला है, इसको दूर करने के लिए ऐसी छोटी छोटी बातों पे इन्हें ध्यान देना पड़ेगा। बड़े प्रोजेक्ट तो बाद की बात है, पहले बिजली, पानी, सड़क, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ जो है इसका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये इंतजाम करना चाहिए ताकि लोग अच्छी तरह से अपने काम को सेटअप कर सके, उसको चला सके, और कम से कम करप्शन करें, ब्राइब ना दें, और अपना पूरा काम जो है समय के अनुसार कर पाए। अब ऐसा लगता है जैसे
लैंड के प्राइस इतने हाई हैं, वो मॉडल मोदी साहब का मैं प्रेस करूंगा अगर इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करें कि अगर जमीन आप किसी इंडस्ट्रीस्ट को या किसी बिजनेसमैन को या किसी इंस्टीट्यूशन को इवन फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं, एक रुपए गज भी देते हैं, वाजिब है अगर उससे आप ये कंडीशन लगा दें कि 100 आदमी को या 500 आदमी को या 1000 आदमी को या 1,00,000 आदमी को एज पर द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री और बिजनेस सेटअप उसमें आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो सरकार का तो काम यही है कि लोगों को जॉब मिले, लोगों को काम मिले, प्रोडक्शन ज्यादा हो कंट्री के अंदर। ये सरकार का कोई काम नहीं कि उसे सब लाभ ही लाभ मिले, वो कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है कि प्राइस के लिए काम करता है या लाभ के लिए काम करता है। गवर्नमेंट का काम है सबको नौकरी दिलाना, काम दिलाना, प्राइस लाइन को कंट्रोल करना और सब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो रोड है चाहे ट्रांसपोर्ट है चाहे बिजली है उसकी व्यवस्था करना। अगर इतना काम हो जाता है तो जैसे मोदी साहब कहते हैं कि एक कदम हर एक आदमी चलेगा 125 करोड़ की आबादी में, तो 125 कदम आगे चले जाएंगे। तो मॉडल वो तभी पूरा होगा जब हर आदमी चाहे वो पूर है चाहे रिच है चाहे कैसा है उसे अपने चलने के लिए एक रास्ता मिलेगा जिसमें ना कोई ब्राइब होगा ना कोई उसके ऊपर कोई अखामखा का कंट्रोल होगा, उसे काम करने की आजादी होगी। मगर कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फाइनेंशियल कंट्रोल ये गवर्नमेंट का काम है। उसे जैसे लेडी की व्यवस्था है, लेडी दिन में काम करने के लिए तो राजी है रात में काम करने के लिए, ऐसा क्यों है? हमारे आजाद देश में लेडीज स्वतंत्र होनी चाहिए, वो रात में काम करें इंडस्ट्री में बिजनेस में ऑफिस में कैसे भी काम करें, उन्हें किसी तरह का फियर नहीं होना चाहिए। मगर आज के प्रेजेंट मॉडल में एक लेडी जो है शाम को घर से बाहर नहीं निकल सकती, ये कैसा हमारा कंट्री है? तो इसकी भी आजादी जो औरतों के साथ संबंधित है, रेप केसेस को रोकना, उनको फुल आजादी देना, फुल फ्रीडम देना, वो आजादी से काम कर सकते हैं, आजाद वुमन कंट्री की है, अपने आप को फील करें कि कोई किसी तरह का फियर नहीं है, ये एक एनवायरमेंट जो है मोदी सरकार को देना है। मोदी सरकार को बड़े बड़े काम करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले छोटे छोटे कामों के ऊपर एक साल दो साल लगाएं, करप्शन को हटाएं, काम करने की विधि को बदलें, अप्रूवल जो गवर्नमेंट के होते हैं उनको बदलें, लैंड जो है चीप दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आदमी कोई ऑर्गेनाइजेशन लैंड चीप देती है और वादा करती है गवर्नमेंट के 2000 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, 50,000 को दूंगा, 1,00,000 को दूंगा, तो अच्छा है गवर्नमेंट का काम हो गया। गवर्नमेंट किस लिए कमाती है? इसलिए कमाती है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, लोगों की रक्षा करें, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उसका तो काम है। तो मेरे ख्याल में ये बीजेपी गवर्नमेंट जो पीछे गवर्नमेंट गई है और जो वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट है और जो उसने आइडिया दिया था वो आइडिया को आगे लेकर के, जैसे रोड स्ट्रक्चर का वाजपेयी साहब का आइडिया था, अच्छा हुआ बहुत रोड स्ट्रक्चर बने, गांव में रोड अच्छी होगी, शहरों में रोड होगी, मगर उसे मेंटेन नहीं किया गया, इन सरकारों ने मेंटेन नहीं किया। आइडिया अच्छा था, इम्प्लीमेंट हुआ उसके टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट, फिर रोड स्ट्रक्चर के मामले को जैसे वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट ने किया था वैसे उसे मेंटेन करेंगे, एक नंबर दो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को बढ़ाएंगे, नंबर तीन एनवायरनमेंट को साफ करेंगे, स्मोक नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर, ये इस टाइप की इंडस्ट्रीज बिजनेस सेटअप करेंगे सो दैट एनवायरनमेंट जो है जो स्मोकलेस हो। तो ये आप गवर्नमेंट का काम है कि कैसे करें। और थर्ड जो है रूल, पुअर आदमी के लिए रोटी का इंतजाम करना और प्राइस लाइन को कंट्रोल करना, ये भी काम है। पहले छोटे छोटे काम ये अगर हो जाएंगे तो फिर मैं सोचता हूं ये एक डेवलपमेंट की स्टेज हमने क्रॉस कर ली, उसके बाद हम कंट्रियों के दो देश के दूसरे कंट्री हैं जो डेवलप कंट्री हैं वैसे बनने की कोशिश करें। और मुझे लगता है अगर 5 साल मिले हैं, 5 साल में ये मोदी गवर्नमेंट
तो मेरी उम्मीद है कि मोदी सरकार एक आदर्श सरकार बनेगी जिसमें हर तरह की व्यवस्था होगी, पूर पीपल से लेकर रिच पीपल तक, और कंट्री जो है 125 करोड़ के कदम आगे बढ़ेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। अगर कांग्रेस ने 60-70 साल हमारे ऊपर रूल किया है तो मैं सोचता हूं कि ये 5 साल जो हमने इस बीजेपी गवर्नमेंट को दिए हैं, अगर उन्होंने कुछ कर दिखाया तो 50-60-70 साल इन्हें भी सरकार बनाने की हमेशा लोग सहायता करते रहेंगे, देते रहेंगे वोट। और ये अच्छी बात है कि हम चीन के साथ और उम्मीद के साथ इस सरकार का वेलकम कर रहे हैं और अब रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। ठीक।